लीजिए तो कितना अप डाउन हो रहा है, आरपीएम एक जगह रुकना चाहिए, नहीं रुक रहा है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है हीरो एचएफ डिलक्स। इसमें का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है कस्टमर, देखिए मीटर में इंजन चेक लाइट ये स्टार्ट देने के टाइम बंद होना चाहिए, ये बंद नहीं हो रहा है, ये लाइट जल रहा है। तो उसी वजह से मेरे पास लेके आया है कस्टमर ने, ये किस लिए जल रहा है और बंद नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने चेकअप एडाप्टर के जरिए से ये मैंने चेक किया हूँ और इसमें दो फॉल्ट बता रहा था, एक जो बैटरी लो वो बता रहा था और ये जो ब्लॉक में जो सेंसर लगा है थर्मल सेंसर ये बता रहा था। उस टाइम मैंने बैटरी को चार्ज किया हूँ और सेट करने के बाद क्लियर इशू किया हूँ, बैटरी का जो प्रॉब्लम देख रहा था वो सॉल्व हो चुका है और ये ब्लॉक का जो सेंसर थर्मल सेंसर इसका जो फॉल्ट ऐसे नहीं हुआ है। तो अभी मेरे को सर्विस सेंटर बाइक को लेके जाना है और सर्विस सेंटर लेके जाके जो सर्विस सेंटर में जो मशीन रहता है उसके जरिए से फिर से एक बार अपडेट कराना है और उस टाइम ये जो सेंसर का जो बता रहा है ये इसका फॉल्ट वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना है, और नहीं तो ये सही नहीं हो रहा है तो ये सेंसर को मेरे को चेंज करना है और उसके बाद क्लियर इशू करना है। तो आइए अभी सर्विस सेंटर में जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं सर्विस सेंटर आ ही गया हूँ, देखिए सर्विस सेंटर, देखिए अभी इधर जाना है। सुन लीजिए तो कितना अपडाउन हो रहा है, देखिए आरपीएम एक जगह रुकना चाहिए, ये नहीं रुक रहा है। ठीक है, और मैंने सर्विस सेंटर भी आ गया हूँ, ठीक है ये सर्विस सेंटर, अभी मेरे को इधर बाइक को स्टैंड किया हूँ, अभी सेटअप एडाप्टर के जरिए से ये दोस्त क्या कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहता हूँ। ये विषय सेट हो गया है, अभी उधर कुछ काम भी कर रहे हैं, देखिए कम। उसके बाद मैंने जो सेंसर के खराबी बताया था वो सेंसर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखने मिलेगा। देखिए ए बी से कम कर रहा है और इधर सेलेक्ट हो रहा है, देखिए एक एक करके देखिए इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर बच्चों मैंने जो बताया था वही खराब है, देखिए अभी वो चेंज करना है, उसके बाद फिर से रिफ्रेश करना है, उस टाइम क्या हो रहा है आपको देखने को मिलेगा। तो लगाओ, देखिए ये जैक खोलना है, उसके बाद वो जो सेंसर वही चेंज करना है, अभी नया जो सेंसर ले गया है वो सेंसर को सेट करना है और इसमें एक वॉशर रहता है, देखिए वही वॉशर को फिर से सेट करना है। देखिए दोस्त ये थर्मल सेंसर, उसका प्राइस देख लीजिए 188 रुपीस, और पार्ट नंबर भी देख लीजिए दोस्तों, अभी ये बाहर करो। ये जो सेंसर ये सेट करना है और सेट कर रहा है, उसके बाद फिर से रिफ्रेश करके जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना है। देखिए टाइट करने का काम हो गया, देखिए अभी ये सेट कर देना है,
देखिए ये टोटली सेट करने कम हो गया। देखिए अभी ये जो इग्निशन स्विच वो भी ऑन है, देखिए इग्निशन स्विच ऑन है वो इधर से। देखिए V6 मॉडल, देखिए HF ये सिलेक्ट हो रहा है एक एक करके। उसके बाद देखिए DTC चेक कर रहे हैं, देखिए इंजन ऑयल टेम्परेचर पर क्लिक कर रहे हैं, क्लियर DTC क्या है, देखिए सब कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए एक और एक भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, देखिए पहले दिख रहा था अभी प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉब्लम मैंने पहले बताया था जो थर्मल सेंसर का प्रॉब्लम, वो थर्मल सेंसर चेंज करके फिर से जो क्लियर इशू किया है और एक भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये तो क्लियर हो चुका है। अभी स्टार्ट देखिए, ये जो इंजन चेकिंग लाइट मीटर में आ रहा था वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना है। देखिए किको से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये बंद हो चुका है। और RPM कितना हाई हो गया है, पहले कितना अप डाउन हो रहा था दोस्तों, देखिए फिर से सुनाने की कोशिश करो। दोस्तों ये बाइक का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूरी अच्छा लगा होगा। और जितना है बस ओके बाय दोस्तों।